राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवास पर। आगामी चुनाव में महिला राजद की भूमिका बिहार में रहेगा अव्वल, कुमारी विनीता भारती। आपको बता दें, महिला राजद कार्यालय मधेपुरा में महिला राजद की नगर परिषद मधेपुरा की टीम का एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजद महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी विनीता भारती शामिल हुई और नगर में महिला राजद कैसे मजबूत हो इस पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नगर की लगभग सैकड़ों महिला शामिल हुई और राजद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया और आगामी 2024-2025 में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी का संकल्प भी लिया गया। कुमारी विनीता भारती ने कहा कि जब से मुझे प्रदेश महिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तब से ही मैं कोसी में लगातार सीमांचल का दौरा कर रही हूँ, बैठकर कर रही हूँ। उसी कड़ी में आज मधेपुरा नगर में बैठक की है और राजद महिला प्रकोष्ठ को मजबूती करने के लिए प्रयासरत हूँ। और जब से राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल बनी है, तब से ही लगातार महिला राजद का संगठन पूरे बिहार में व्यापक रूप से बनकर तैयार हो रही है। आगामी 2024 व 2025 में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए हम लोग राजद महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और आदरणीय लालू यादव व तेजस्वी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। बैठक में नगर की ममता देवी, मीरा कुमारी, दयावती देवी, सुनीता कुमारी, रेखा कुमारी, सुनीता कुमारी, नेहा कुमारी, बेबी सोनी, नीतू, नीलू, मौसम, सविता, सबनम, उषा देवी, अरुणा देवी, अनीता देवी, कविता देवी, रेखा कुमारी, मंजू कुमारी सहित सैकड़ों महिला बैठक में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्टर रामानंद कुमार, मधेपुरा। देखिए, हम महिलाओं के साथ जो केंद्र में बैठी ये निकम्मी सरकार है, आज राशन की बात, जहाँ तक हम महिलाएं गृहिणी होती हैं और रसोई संभालती हैं, जहाँ राशन की बात होती है, तो सरसों का तेल इतना महंगा है, महंगाई इतने चरम सीमा पर है। और महिलाओं के साथ जो मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई, यह काफी निंदनीय है। तो हम महिलाओं ने आज नगर की महिलाओं ने एक बैठक की है कि किस तरह आने वाले समय में राजद एक मजबूती प्रदान करे और आने वाले समय में इस निकम्मी सरकार को, जो केंद्र में बैठी सरकार है, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके कि हम बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार न हो, क्योंकि महिलाएं अब अत्याचार नहीं सहेंगी। जिस तरह इस सरकार में प्रताड़ित हुए हैं, तो महिलाओं ने अब ठाना है कि इस निकम्मी सरकार को आने वाले समय में पूरे देश, बिहार से और देश से भगाना है। कुमारी विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष।